वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप करोड़पति कैसे बने। मतलब हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बरसती रहे, ऐसे कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सबने काली हल्दी का नाम सुना ही होगा, आप सबने गोमती चक्र का नाम सुना ही होगा, नाग केसर के बारे में शायद कुछ कम लोग जानते होंगे, बाकी सिंदूर के बारे में भी आप जानते हैं और चांदी के क्वाइन के बारे में भी जानते हैं। देखिए, काली हल्दी है, ये गोमती चक्र है, एक तरफ ये समतल होता है और दूसरी तरफ ये पत्थरों को जैसा होता है, पर इसका जो इफेक्ट है वो कमाल का होता है। इसे आप हाथ में मिलोगे ना तो ऐसा लगेगा कि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके बॉडी के अंदर समाहित हो रही है। और ये नाग केसर है, आप देखिए, ये नाग केसर, ये काली नाग केसर है और ये लाल नाग केसर है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब आपको लगे कि भाई मैं क्या करूं, थक गए, हार गए, तो उस वक्त हमारा ये वीडियो देखिएगा और बस इम्प्लीमेंट करके देखिए और जो रिजल्ट है वो आपको दिखेगा। आपको करना ये है कि आपको काली हल्दी लेनी है, आपको काली हल्दी मिल भी जाएगी पूजा की दुकान पे, पर वो केमिकल में डुबाया हुआ काला सा देगा आपको वो, तो ओरिजिनल काली हल्दी होनी चाहिए। काली हल्दी का जनरेशन होता है, इसे काटेंगे तो अंदर से थोड़ी सी नीली रहेगी, हो सकता है नीली नहीं भी हो, पर उसी जेनरिक का रहता, उसी फैमिली का रहता ये काली हल्दी होता है। ये डिपेंड करता है कि इसे कब उखाड़ा गया है। तो ये काली हल्दी का जनरेशन है, ये नाग केसर और ये गोमती चक्र। ये जो उपाय किए जाते हैं वो हमेशा दीपावली, दशहरा, अक्षय तृतीया, उसके बाद आप समझ लीजिए जिस दिन होलिका दहन होता है वो, पूर्णिमा, अभी जैसे शरद पूर्णिमा आ रहा है, या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को ये उपाय आपको करने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि आप जो कर्म करोगे ये विफल नहीं जाएगा, माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएगी बनाएगी, देगी देगी। करना सिर्फ इतना सा है कि आपको काली हल्दी लेनी है, नाग केसर लेना है, लाल लीजिए, काला लीजिए, गोमती चक्र लेनी है, सिंदूर लेना है और एक चांदी का सिक्का लेना है, मतलब चांदी की एक वस्तु लेनी है आपको, क्वाइन लीजिए, आप जो भी लेना है आप वो लीजिए। इन सब के साथ में आपको एक लाल कपड़ा खरीदना होगा, उसके बाद तांबे या पीतल के प्लेट में या चांदी के प्लेट में आप लाल कपड़े को बिछा दीजिए और इन सबको आप गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, गंगा जल छिड़क कर। उसके बाद सिंदूर, सबसे पहले आप काली हल्दी रखिए, फिर ये 11 लेना है आपको, 11 गोमती चक्र आपको लेनी है, 11 दाने आपको नाग केसर के लेने हैं, उसके बाद उस पर सिंदूर छिड़कना है और 1 रुपये की कॉइन रखनी है। फिर जिस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं आप उसी तरह से इन सब की आप पूजा करेंगे। उसके बाद तुलसी की माला पे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे आप, उनका जाप करेंगे आप, उनका जाप कमलगट्टी की माला पे कीजिएगा, नहीं तो फिर आप स्फटिक की माला पे कीजिएगा, जो भी आपको माता लक्ष्मी का मंत्र आपको पता है। और तुलसी की माला पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। फिर आप अगरबत्ती दिखाइए, कपूर की आरती दिखाइए, कपूर की आरती आप भीमसेनी कपूर की आरती ही दिखाइएगा। उसके बाद उस लाल कपड़े को लपेट कर आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए, या फिर आपका जो व्यवसाय स्थान है उसके कैश काउंटर में रखिए। दोनों जगह यदि रखते हैं तो अति उत्तम होगा, माता लक्ष्मी आप पे 100% अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी।
ये सारी चीज़ें आपको shivago.com से प्राप्त हो जाएगी, वहाँ पे आपको अभिमंत्रित करके भी मिल जाएगा। बाकी वैसे आप कहीं से भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।